Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the solutions of chapter 11, the perfect tenses. So let's start the video. तो ये देखिए, ये है chapter 11, the perfect tenses. और let's begin exercises में दी गई है. तो इसमें find the 7 past participle form of the verb in the word grid given below. The one is the words are hidden and one has been done for you. There are more words in the word grid but they are not in the past participle form. तो इसमें जो कह रहे हैं, तो इसमें जो है पार्टिसिपल हमको फाइंड आउट करना है कितने, 7. और इसमें जो है कुछ और वर्ड हैं जो दिए हुए हैं पर वो जो है पास्ट पार्टिसिपल में नहीं होंगे और हमको 7 पार्टिसिपल फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखते हैं कि दिया गया है ये beaten एग्जाम्पल के लिए. तो वर्ड ऐसे भी होंगे और इस तरह से भी होंगे. तो देखिए यहाँ पे मुझे मिले तो और हैं बट पार्टिसिपल में मुझे खाली जो है मैं गए 6 मिले और किसी एक वर्ड पे मेरी नज़र नहीं पड़ पा रही. अगर आपको मिले तो आप देख लीजिएगा. मुझे 6 जो है मुझे मेरी नज़र पड़ी, मैंने उनको फाइंड आउट किया. वो 7वां वर्ड कहाँ छुपा है वो मुझे मिल नहीं रहा है अभी. तो जो मिला है चलिए उसको देखते हैं. ये है फॉलन और ये बीटन पहले ही दिया गया है. ये हुआ गोन और इसमें जो है ये देखिए टॉट हो गया और ये हो गया पुट. पुट की थर्ड फॉर्म भी पुटी होती, तीनों फॉर्म उसकी पुटी रहती हैं. ये हो गया फ्लोन. अब यहाँ पे एक है रिटन, यहाँ पे मिला है मुझे. और रिटन का देखिए यहाँ पे राइट भी है, यहाँ पे रोट भी है और यहाँ पे इसका पार्टिसिपल मिल गया रिटन. तो बस मुझे तो यही इतने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6. अगर इसको मिलाते हैं तो 7. तो ये है इसमें फर्स्ट में कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू द गिवन बिलो इन ब्रैकेट्स यूज कॉन्ट्रेक्शंस वेयर पॉसिबल. तो ये है एक्सरसाइज. इसमें जो है हमको प्रेजेंट परफेक्ट भरना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज हैव एंड उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो आई के साथ होगा हैव, फिनिश्ड आई हैव फिनिश्ड हो जाएगा. ही हैज एन नेगेटिव है तो कॉन्ट्रेक्शन यूज़ करना है ही हैजंट रिटर्नड, ही हैजंट रिटर्नड. हैव यू हैड, हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड होती तो इसके साथ ये वर्ब है और ये इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब बन के लगी है. हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, अब इसमें हो जाएगा यू हैव नेवर ऑफर्ड एनी हेल्प, यू हैव नेवर ऑफर्ड एनी हेल्प. आवर टीम हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज, विन का थर्ड फॉर्म होता है वन. एंड इसमें होगा जेनिफर हैज़ एक्टेड इन सेवरल मूवीज़. और ये देखिए दूसरा है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट परफेक्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट यूज कॉन्ट्रेक्शन वेयर पॉसिबल. तो इसमें पास्ट परफेक्ट था, पिछले एक्सरसाइज में प्रेजेंट परफेक्ट था, इसमें पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है हैड प्लस V3. तो आफ्टर ही हैड पैक्ड, अब इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगी. और इसमें हो गया हैड गोन, गो का थर्ड फॉर्म हो गया हैड गोन. ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ ही लर्नड, लर्न का थर्ड फॉर्म हो गया लर्नड, हैज़ ही लर्नड. और इसमें हो जाएगा बिकॉज वी हैडंट, ये कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे है निगेटिव में है, वी हैडंट ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, वी हैडंट ईटन. अब इसमें हो जाएगा हैड यू सीन, हैड यू सीन. और इसमें हो जाएगा चीफ मिनिस्टर हैड inaugurated, chief minister had inaugurated. Complete the sentences below by putting the verb in brackets into the future perfect tense. अब future perfect में होगा will have और been लग जाता है उसमें, ठीक है ना, जहाँ be रहेगा वहाँ पे been बन जाएगा. तो will have read, अब ये third form भी इसकी read ही होती है तो इसलिए यहाँ पे read ही लगा, कोई change नहीं दिख रहा है आपको. दे विल हैव बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, दे विल हैव बीन. अब इसमें जो है विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड. और इसमें हो जाएगा आई विल हैव वर्कड और यू विल हैव लॉन्च्ड. और इसमें होगा आई सपोज यू विल हैव मेड, मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड. और इसमें दे विल हैव वेटेड और इसमें हो जाएगा बाई 2025 वी विल हैव बीन, सॉरी वी विल हैव लिव्ड. और इसमें हो जाएगा ही विल नॉट,
इसमें हो जाएगा ही विल हैव गॉट, गेट का गॉट गॉटन हो जाएगा यहाँ पे, गॉट नहीं गॉटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और इसमें हो जाएगा विल यू हैव फिनिश्ड, विल यू हैव फिनिश्ड। एक्सरसाइज नंबर 4, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आउट ऑफ द फॉलोइंग। आई हैव फिनिश्ड, इसमें हो जाएगा हैजंट अराइव्ड, और सी में हो जाएगा हैड बीन, डी में हो जाएगा विल नॉट हैव, और ई में हो जाएगा बीन, और एफ में हो जाएगा हैड। और इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा जी में हो जाएगा हैव, हैव यू एवर बीन, तो इसमें हो जाएगा एच में हो जाएगा हैव रिसीव्ड, इसमें है देखिए यहाँ पे इसमें हो जाएगा विल है ये विल यू ये जो दिख रहा है ना, ये आपको इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिख रही है, शॉर्ट फॉर्म जो बनाते हैं एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल, तो ये विल है, यू विल हैव रिसीव्ड। और इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 में, इसमें है आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग परफेक्ट टेंसेस टेंसर सेंटेंसेस, मार्किंग द सेंटेंसेज एज द करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको ये जो है इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है सेंटेंसेज में, वही फाइंड आउट करना है, जो करेक्ट है उनके आगे करेक्ट करना है और जो इनकरेक्ट है उनके आगे इनकरेक्ट। तो आप करेक्ट या इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी हो जाए इसके लिए क्रॉस एंड टिक किया हुआ है, तो आप करेक्ट को करेक्ट मेंशन कर सकते हैं, इनकरेक्ट को इनकरेक्ट। तो जिनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये जो है इनकरेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।